उमरिया जिले की मानपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत रोहनिया के ग्राम खुसरबार में सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ग्राम में 14 वित्त योजना के तहत 50 लाख रुपए की लागत से 3 पुलिया सीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। सरपंच पति द्वारा यह निर्माण कार्य बगल के पठारी गांव निवासी राकेश यादव को ठेके पर देकर कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। ये काम कैसे करा रहा है, ठेके में करा रहा है कि पंचायत तरफ से? जी दोनों है, सरपंच भी आते हैं। नहीं तो काम ठेके में है, इसकी क्या लागत है? मैं तो अभी कंफर्म नहीं मुझे। क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। बोले हैं घर घर जाके बोले हैं, यहाँ के सदस्य क्या बोलते हैं उनका शंभूलाल, वो भी गए हैं, बोल रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तरह काट रहे हैं। तो कहाँ के लेबर काम कर रहे हैं? गाँव के लिए बाहर कुछ यहाँ भी किए हैं अभी। कहाँ के जी लेबर कहाँ के हैं? जो आधा यहाँ की है पठारी की, आधा यहाँ की है। जबकि शासन प्रशासन का नियम निर्देश है कि स्थानीय ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य में वहीं के लोगों को रोजगार दिया जाए। निर्माण कार्य की पुलिया पर सूचना पटल नहीं लगाया गया, गुणवत्ता विहीन पुलिया निर्माण कराया जा रहा है। इस ग्राम पंचायत में क्या हुआ था कि 66 लाख रुपए थे, सरपंच सुशीला बैगा और सचिव बंसीलाल बैगा, ये दोनों एक जात के मिलकर अब ग्राम खुसरबाह में 56 लाख का शासन का पैसा दुरुपयोग किया। जो पुलिया बनाए निर्माण में 2-2 फुट में कालम खड़ा किए हैं, अब 8 AM या 10 AM रॉड से ऊपर छत है, और गिट्टी जो लगी है वो सड़ी हुई है, अभी भी पड़े हैं, बोल्डर लगे हैं। मान 2 लाख में पुलिया बनाकर 5 लाख रुपए निकाला। और कौन से ऐसे निर्माणकार हैं? ऐसे और निर्माणकार सीसी रोड हैं, 5-2 पुलिया और बना, जहाँ की पुलिया नहीं बनना चाहिए वहाँ मिट्टी खोद कर गहरीकरण कर वहाँ पुलिया बनाया जा रहा है 2 लाख रुपए, अब वहाँ की पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है, अपने पास स्वयं रख रहे हैं, अब पैसा पूरा निकाल कर सरपंच सचिव निकाल। ग्राम पठारी का है राजेश यादव, उसको पूरा ठेका में दे दिएगा, उसी का बिल लगता है, राड का बिल उसी का, सीमेंट का बिल उसी का, जितने बिल लगते हैं सबका का वो 3 नंबर का बिल ठेकेदार वही बनवा लिया की। और बाहर के लेबर खुद लाता है वो ठेकेदार अपने गांव से, और यहां के लोग बेरोजगार भाग रहे हैं सब, 56 लाख का काम हो गया लेकिन यहां 1 लाख का यहां के लेबर काम नहीं पाए, 1 लाख रुपए का काम नहीं पाए, और रोजगार बेरोजगार भाग रहे हैं, न यहाँ मेट को पूछा जाता है, न पंचों को पूछा जाता है, न यहाँ जनता को कहा जाता है कि काम में आ। अब यदि काम भी किए हैं तो उनको 150 रुपए से नगद भुगतान कर दिया गया है, फर्जी पैसा द्वारा अपना वो का किया है कि यूनियन बैंक का खाता खुलवाया यहाँ, अब आकर घसवा के पैसा ले जाता है नगदी पर। यही नहीं, 2 हाथ दूरी पर सरिया रोड बांधा जा रहा है, खराब गिट्टी और जंगल के पत्थर का उपयोग किया जा रहा है, इसी तरह सीसी रोड में भी बिना बेस के सीसी रोड बना दिया गया। ग्रामीण जनों का कहना है कि हमें रोजगार न देकर दूसरे गांव को रोजगार दिया जा रहा है, जिन्हें 140 रुपए की दर से मजदूरी का भुगतान दिया जा रहा है, जबकि शासन द्वारा 175 रुपए निर्धारित किया गया है। यही नहीं, सरपंच पति द्वारा ठेकेदार के खाते में 30 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। हम तो गए थे काम करने तो हमको भगा दिए थे। क्या बोले? बोले तुम हमारे लायक नहीं हो, इधर से भाग जाओ, काम न करो। थे हमने अपने फर्ज भगाई की लेते गए थे इधर काम करने के लिए, बोले तो नहीं किए। मजदूरी 120 ही दे रहे हैं। आपने शिकायत नहीं की? नहीं। इस संबंध में जब संबंधित उपयंत्री संतोष मिश्रा से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि मुझे इस निर्माण कार्य के विषय में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, मैंने सरपंच से मना किया भी था, निर्माण कार्य में बिना एस्टीमेट के नहीं कराए, लेकिन सरपंच ने मेरी बात नहीं मानी। इस संबंध में जिला कलेक्टर अमरपाल सिंह जी से बात की गई, तो इनका कहना है कि इस विषय पर मुझे पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। जिला पंचायत सीईओ आशीष वशिष्ठ इस चर्चा करने पर कहा कि मैं बाइट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपके द्वारा जो जानकारी मुझे मिली है उस पर मैं जांच कराकर संबंधित सचिव सरपंच के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट।